हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि अगर आप अपने बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, जो न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं 2023-24 के, तो आप देखिए जल्दी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है सभी यूनिवर्सिटीज़ में। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स अभी तक एकदम कन्फ्यूज़ हैं कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अभी तक हमने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, हम क्या पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इतना सारा हमारे सिलेबस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ें, तो उनके लिए यह आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 टॉपिक्स आपको बताऊंगी, जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पर से आपके क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर 2023-24 के बैच में ज़रूर आएंगे। और देखिए, ये जो आज के 10 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, तो स्टूडेंट्स आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर मेरे चैनल पर मिलेंगे, क्योंकि मैंने न्यू बैच 2023-24 के इंग्लिश लिटरेचर की क्लास स्टार्ट कर दी है और मैंने आपकी लगभग सभी यूनिट्स को कंप्लीट करवा दिया है। तो चलिए पहले आपके वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं, जहाँ से आपके प्रश्न 100% आएंगे ही आएंगे, फिर उनके आंसर आप मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट करके सारी चीज़ें अपनी तैयार कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी पूरी 100% हो जाएगी। आइए अब देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है आपका एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये यूनिट नंबर 1 है। इसमें आप श्री अरविंदो का कंट्रीब्यूशन, रवीन्द्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन और सरोजिनी नायडू का कंट्रीब्यूशन पूरा तैयार कर लीजिएगा। और मैंने सभी कंट्रीब्यूशन करवा दिए हैं, तो आपको इन सभी के कंट्रीब्यूशन मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए, कंट्रीब्यूशन तो हर हाल में आएगा, चाहे वेरी शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए या सिर्फ शॉर्ट में आए, मगर आएगा ज़रूर। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, इसको भी मैंने करवा दिया है। प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, देखिए टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। तो देखिए, आपके प्रोज जो है, टाइप ऑफ प्रोज, इसमें जैसे कि आपका हो जाता है ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, ट्रेवलॉग, पर्सनल एसे, फॉर्मल एसे, सारी जो भी एसे, ये सारे जो टाइप हैं प्रोज के, यही आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट इज द टर्म ट्रेवलॉग, व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी, डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, तो सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं, तो आप इनको चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा वेरी शॉर्ट में ही आते हैं। एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग दोनों में आती है। लॉन्ग में जब आएगी तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, जितने भी एलिमेंट हैं आपके, 4 एलिमेंट हैं आपके सिलेबस में, और यहाँ से तो आपके वेरी शॉर्ट में ही आएंगे, तो आपको इनका तैयार कर लीजिएगा, छोटा छोटा सा है, देख लीजिएगा। अब देखिए, ये आपका तीसरा टॉपिक है प्रोज डिवाइसेज। आपके सिलेबस में जो प्रोज डिवाइसेज है ना, उसमें 13 प्रोज डिवाइसेज हैं, तो यहाँ से भी देखिए वेरी शॉर्ट में ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रोज डिवाइस हैं, तो मैंने पूरा करवा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। 15 वर्ड्स में आपको लिखने रहेंगे, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इसमें से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे पेपर में। उसके बाद मुल्क राज आनंद और अनीता देसाई की जो शॉर्ट स्टोरी है आपके सिलेबस में, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके जो स्टोरी है वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आ जाते हैं। इनकी थीम पूछ देती है या फिर ज़रूर कुछ ना कुछ पूछ देता है, तो आप लोग इनकी स्टोरी पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा दी है। अब देखिए, अगला है चार स्लैम एज एन एसिस्ट। चार स्लैम का एक एस्से है आपके सिलेबस में, ड्रीम चिल्ड्रेन। तो देखिए, चार स्लैम जो हैं एक एसिस्ट के रूप में कैसे हैं, ये आपका आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको भी मैंने करवा दिया है, तो ये भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो देखिए, ये ज़रूर आएगा, आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है द लास्ट लीफ एंड द लेमेंट। ये देखिए आपका टॉपिक 7 है। लास्ट लीफ से आपका ज़रूर आ जाता है हु इज़ बेहरमैन, बेहरमैन कौन था, जॉन्सी एंड स्यू कौन थी, उसमें किसको न्यूमोनिया हो गया था, इसी तरह से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं आपके वेरी शॉर्ट से, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं आपके, वेरी शॉर्ट में आते हैं, आप लिख लेंगे। उसके अलावा लॉन्ग में अगर यही आपका क्वेश्चन आएगा,
शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी से, तो आपसे पूछ देगा ना कि आप इसकी समरी को ओन वर्ड्स यानी कि इन योर ओन वर्ड्स में लिखिए। तो आप अपने शब्दों में किस तरह लिखेंगे जब आप पूरी स्टोरी को पढ़े रहेंगे। तो मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, एकदम सिंपल सिंपल अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ेंगे तो भी आपको मज़ा आएगा। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर जब आपसे समरी कही जाएगी तो आप लिख दीजिएगा। अब देखिए टॉपिक 8 है आपका कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। देखिए कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश में आ जाता है आपका लेटर राइटिंग, CV, रिज्यूम, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग। ऑनलाइन राइटिंग में ये आते हैं कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर आते हैं। तो मैंने सारे टॉपिक आपको बता दिए कि कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स से कहाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। जॉब के लिए रिज्यूम बनाइए, CV बनाइए, CV बनाना भी मैंने बता दिया, CV होती क्या है सब करवा दिया, ऑनलाइन राइटिंग भी पूरा करवा दिया, लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, पर्सनल लेटर, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे लिखनी है, उनके फॉर्मेट क्या है, सब कुछ मैंने आपका करवा दिया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, यूनिट नंबर 8 है ये आपका, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए आपका टॉपिक 9 है वर्जीनिया वुल्फ एंड APJ अब्दुल कलाम। देखिए आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 7 में वर्जीनिया वुल्फ का एसे है एक, प्रोफेशन फॉर वुमेन्स, और APJ अब्दुल कलाम का भी एक एसे है। तो आप लोग उन दोनों एसे को पढ़ लीजिएगा, एसे इससे ज़रूर आपके लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग में या शॉर्ट में आएंगे। ये वेरी शॉर्ट में ज़रूरी नहीं है किया है, मगर लॉन्ग या शॉर्ट में आ सकते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद AG गार्डिनर एक एसेइस्ट के रूप में कैसे हैं, इनका राइटिंग स्टाइल क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा और लॉन्ग में पूछेगा। तो इनको भी मैंने करवा दिया है कि इनका राइटिंग स्टाइल एज एन एसेइस्ट ये किस तरह के हैं। तो देखिए 10 जो टॉपिक्स बताएं, यहाँ से हर हाल में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप इतने टॉपिक से अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बस यूँ समझिए कि आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 100% बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से इनके आंसर को आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नोट्स भी पूरा चाहते हैं आंसर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट कीजिए और इन सभी के आंसर को तैयार कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।